दिव्यमान फिटनेस में आप लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है दिव्यमान सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं दिव्यमान फिटनेस। तो देखिए, आज की जो वीडियो होने वाली है वो है एंडोमॉर्फ्स पर। एंडोमॉर्फ्स कौन होते हैं? जो कि जिनका बॉडी फैट परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा होते हैं, राउंडेड बॉडी होती है, जिन्हें फैट लॉस करने में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है, जिनका मेटाबॉलिज्म काफ़ी लो होता है, ऐसे लोग एंडोमॉर्फ्स कहलाते हैं। तो एंडोमॉर्फ्स कैसे अपना फैट लॉस या वेट लॉस कर सकते हैं, तो आज की जो वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे एंडोमॉर्फ्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी डाइट। तो देखिए, आपकी डाइट काफी क्लीन डाइट होनी चाहिए, लो कैलोरी डाइट होनी चाहिए, तब जाके आप फैट लॉस कर सकते हैं, वेट लॉस कर सकते हैं, भले ही आप कितनी भी एक्सरसाइज क्यों ना लगा लें। तो देखिए, लगभग देखिए 30% के करीब कार्बोहाइड्रेट्स होने चाहिए आपकी डाइट में, और 50% के करीब प्रोटीन होना चाहिए, और 20% के करीब फैट्स होने चाहिए। तो इस प्रकार का जो रेशो है वो आपकी डाइट में होना चाहिए। कहने का मेरा मतलब है हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए और फैट्स कम होने चाहिए। तो देखिए, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फर्स्ट हम बात करते हैं बीएमआई के बारे में। तो बीएमआई क्या होती है? बॉडी मास इंडेक्स। तो बीएमआई की हेल्प से आप अपना बॉडी फैट परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, बीएमआई जो होता है, तो बीएमआई इक्वल्स टू होता है वेट अपॉन हाइट, वेट इन किलोग्राम्स और हाइट इन मीटर स्क्वायर। जो वेट और हाइट का जो प्रपोर्शन होता है वो होता है बीएमआई। तो देखिए, एक नॉर्मल पर्सन के अंदर जो बीएमआई होती है वो होती है लगभग 18 से 25 के करीब, और जो ओवरवेट होते हैं उनके लिए जो बीएमआई की जो वैल्यू होती है वो होती है 25 से 30 के करीब। और जो पर्सन जो कि जिनमें ओबेसिटी की कंडीशन है, जो ओबेस है, तो उनके लिए बीएमआई हो सकती है देखिए 30 से 40 के करीब। तो देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि आपका बीएमआई क्या है, ठीक है? अगर मान लीजिए आप ओवरवेट हैं, तो ओवरवेट में आप देखिए, आप अच्छी डाइट और अच्छी एक्सरसाइज करके आप अपना बीएमआई मेंटेन रख सकते हैं, एक नॉर्मल एक हेल्दी बीएमआई मेंटेन रख सकते हैं। अगर आपकी ओबेसिटी कंडीशन है, ओबेस कंडीशन है, तो उस कंडीशन के अंदर आपको काफी टाइम लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, बॉडी फैट काफी ज्यादा होता है। तो ये बात हो गई हमारी बीएमआई के बारे में। तो देखिए, अगली बात करते हैं हम, वो है कैलोरीज के बारे में। तो देखिए, आपको कैलोरी डेफिसिट डाइट फॉलो करनी है, तो उसके लिए आप कार्बोहाइड्रेट्स, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं और जो फाइबर रिच फूड्स हैं, वो कंज्यूम कर सकते हैं। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात करते हैं, तो उनके क्या क्या सोर्सेज आप कंज्यूम कर सकते हैं? तो देखिए, उनके लिए आप ओट्स कंज्यूम कर सकते हैं, बार्ले कंज्यूम कर सकते हैं, व्हीट कंज्यूम कर सकते हैं, ब्राउन ब्रेड कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये सारे क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। और देखिए, आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी है? तो देखिए, आपको शुगर अवॉइड करनी है, आपको कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, फास्ट फूड, तो ये चीजें आपको अवॉइड करनी है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइबर्स के बारे में। तो देखिए, आपको फाइबर रिच फूड कंज्यूम करना है। तो इससे क्या बेनिफिट होगा? देखिए, फाइबर क्या करते हैं, हमारे जो स्टमक है उसको फिल कर देते हैं, जिससे हमारी एपेटाइट कम हो जाती है, और उससे क्या होता है, फैट लॉस या वेट लॉस होता है, और हमारी भूख कम लगती है। तो देखिए, इसके लिए क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं फाइबर्स के लिए? तो देखिए, आप फ्रूट कंज्यूम कर सकते हैं, वेजिटेबल कंज्यूम कर सकते हैं, चिक पीस कंज्यूम कर सकते हैं, जिसे देसी चना बोला जाता है, और भी बहुत सारे सोर्सेज जैसे सीड्स हैं, नट्स हैं, तो इनके अंदर भी फाइबर्स होते हैं। फिर अगली हम बात करते हैं, वो है प्रोटीन के बारे में। तो देखिए, आपको प्रोटीन रिच डाइट फॉलो करनी है। तो देखिए, प्रोटीन रिच डाइट से ये फायदा होगा कि आपकी मसल बिल्डिंग होगी, साथ ही साथ आपका फैट लॉस में भी आपको काफी हेल्प मिलेगी, आपकी जो आपको भूख कम लगेगी। तो देखिए, प्रोटीन के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? तो देखिए, प्रोटीन में आप देखिए नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन सोर्सेज दोनों कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन कंज्यूम करेंगे तो आप एग्स कंज्यूम कर सकते हैं, चिकन कंज्यूम कर सकते हैं, आप फिश कंज्यूम कर सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप क्या क्या कंज्यूम कर सकते हैं? तो देखिए, आप
लेग्यूम्स कंज्यूम कर सकते हैं, जो दालें वगैरह हैं जिनके अंदर काफी मात्रा में प्रोटीन होता है। चिक पीस कंज्यूम कर सकते हैं, चिक पीस के अंदर भी प्रोटीन होता है। और डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम कर सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर भी काफी मात्रा में प्रोटीन होता है। तो ये बात होगी हमारी प्रोटीन की। अगला जो हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट होने वाला है वो है फैट्स। तो देखिए फैट्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट डिपेंड करता है आप कौन सा फैट कंज्यूम कर रहे हैं। तो देखिए आपको अनसैचुरेटेड फैट्स ज्यादा कंज्यूम करना है कंपैरेटिवली सैचुरेटेड फैट्स के। तो देखिए अनसैचुरेटेड फैट्स के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं आपके लिए। तो देखिए आप पीनट बटर कंज्यूम कर सकते हैं, आप आलमंड कंज्यूम कर सकते हैं, आप वॉलनट कंज्यूम कर सकते हैं, चिया सीड, हेम्प सीड, तो ये आप कंज्यूम कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैट्स की। तो सैचुरेटेड फैट्स आपको कम कंज्यूम करने हैं तो क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं जो आपको कंज्यूम करने चाहिए। तो देखिए आप सोया पनीर ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में और नॉन फैट मिल्क ऐड कर सकते हैं, तो ये आपको काफी मात्रा में प्रोटीन्स भी प्रोवाइड करेंगे और आपको फैट लॉस या वेट लॉस में काफी हेल्प करेंगे। फिर अगला हम बात करते हैं वो है विटामिन्स की। तो देखिए विटामिन्स भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके फैट लॉस में और वेट लॉस में। तो देखिए हम आज बात करेंगे विटामिन सी के बारे में। तो विटामिन सी जिसे एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, जो कि क्या होता है एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और जो हमारे जो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है उनको कम करने में काफी हेल्पफुल होता है और साथ साथ आपके फैट लॉस और वेट लॉस में भी काफी हेल्पफुल होता है। देखिए विटामिन सी रिच फूड क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए इसके लिए आप लेमन जूस कंज्यूम कर सकते हैं, ऑरेंज जूस कंज्यूम कर सकते हैं आप, और टमाटो जूस कंज्यूम कर सकते हैं, ब्रोकली कंज्यूम कर सकते हैं आप, कीवी कंज्यूम कर सकते हैं। ये सारे क्या है आपके विटामिन सी के सोर्सेज हैं। देखिए अगला जो हमारा होने वाला है वो है ग्रीन टी। तो देखिए आप अपनी डाइट में ग्रीन टी ऐड कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है जो आप नॉर्मल चाय पीते हैं उसको रिप्लेस करना है और मॉर्निंग में आपको ग्रीन टी कंज्यूम करनी है। फिर अगला जो हमारा होने वाला है वो है एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक। तो एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक आपको अपनी डाइट में ऐड करनी है। तो देखिए इसे क्या बेनिफिट हो सकता है, इसे ये बेनिफिट होगा कि आप 200 से 250 कैलोरी कम कंज्यूम करेंगे और साथ ही साथ इसके अंदर एसिटिक एसिड की प्रॉपर्टी होने की वजह से आपके फैट लॉस या फैट बर्निंग में काफी हेल्पफुल हो सकता है ये एप्पल साइडर विनेगर ड्रिंक। तो ये आपको कंज्यूम करना है। तो अगली हम बात करते हैं वो है एक्सरसाइज। तो देखिए एक्सरसाइज में देखिए आपको कार्डियो एक्सरसाइज करनी है अगर आप जिम जाते हैं, और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज करनी है। तो कार्डियो में आप क्या क्या ऐड कर सकते हैं, ट्रेडमिल है वो ऐड कर सकते हैं, साइकिलिंग ऐड कर सकते हैं, और स्ट्रेंथ एक्सरसाइज की बात करते हैं तो स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में आप देखिए डेडलिफ्ट और बेंच प्रेस और स्क्वाट्स, तो ये तीनों आपको ऐड करने ही करने हैं अपने डेली रूटीन में। करते हैं होम वर्कआउट के बारे में। तो होम वर्कआउट में देखिए आप कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो देखिए आप हाई नीज ऐड कर सकते हैं, जंपिंग जैक ऐड कर सकते हैं, जंप स्क्वाट ऐड कर सकते हैं, साइकिलिंग ऐड कर सकते हैं, किक बॉक्सिंग ऐड कर सकते हैं, डांसिंग ऐड कर सकते हैं, तो और जंपिंग रॉप ऐड कर सकते हैं। तो ये एक्सरसाइज आप घर पे भी कर सकते हैं। तो देखिए नेक्स्ट आपको करना क्या है, तो देखिए आपको अपना वेट नोट करना है। तो वेट आपको पर डे नोट नहीं करना, ना ही वीकली नोट करना है, आपको एक महीने के डिफरेंस से नोट करना है। तो देखिए स्टार्टिंग में आपको अपनी इनिशियल फोटो और इनिशियल वेट नोट करना है, फिर एक महीने बाद आप वापस अपनी फाइनल फोटो और फाइनल वेट नोट करेंगे, जिससे आप ये ऑब्जर्व कर पाएंगे कि आप में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या आपको बेनिफिट हो रहे हैं उसे, कि आपको फैट लॉस हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है, या आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो इसके लिए आपको एक महीने तक आपको स्ट्रिक्ट डाइट रखनी है, क्लीन डाइट रखनी है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो जिम में करते हो या होम वर्कआउट करते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करिए, जिससे ये होगा अगर जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक डाल दूंगा, आप वहां जाके चेक कर सकते हैं, मेरे को फॉलो कर सकते हैं। ओके बाय।